तारीख को जैसे ही लोकसभा के चुनाव परिणाम आएंगे भारतीय जनता पार्टी की विदाई सुनिश्चित है। नरेंद्र मोदी की विदाई जनता ने तय कर दिया है। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही, उसके बाद राम विचार नेताओं सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कोमा में चले जाएंगे। इनको यह तय करना है कि 4 तारीख के बाद इनको करना क्या है, क्योंकि जनता इसके बाद इनके 10 साल की वादा खिलाफी का हिसाब मतदान के रूप में ले चुकी है। ये जवाब देते इनको नहीं आएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो मनोबल है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, हताश हो चुकी है। उनके नेता के साथ में तो जो स्थिति है, राहुल गांधी के साथ उनको भरोसा नहीं है। मैंने पहले कहा कि राहुल गांधी नहीं मालूम ये कितनी कौन सा सैकड़ों बार तो हार चुके हैं, मुझे अब गिनती भी याद नहीं है। और राहुल गांधी खुद ही कहते हैं, समझ चुके हैं, मुझे तो लगता है उनकी टिकट विकट बुक हो गई होगी 4 तारीख के बाद की। और हमारी शुभकामना है वो जाएं और उनके साथ साथ इनको भी लेकर के जाएं, इनका भी माइंड वॉश हो, इनको भी थोड़ा सा दिमागी तौर पे इनको संतुलन की आवश्यकता है। जो इस तरीके से अब ये चुनाव हारने के लक्षण है, अब चुनाव हारेंगे तो उसके बाद देखिएगा कि पूरे लोकतंत्र को गाली देंगे, पूरे सिस्टम को गाली देंगे, ईवीएम को गाली देंगे, वीवीपैट को गाली देंगे, चुनाव की प्रक्रिया को गाली देंगे। ये तो इनका सिस्टम है। ये कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं, हर तरीके से सिस्टम को करने की कोशिश की, लेकिन आज वो लगातार हार हार के उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन खो चुके। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है चुनाव परिणाम पर। जी हां, अंतिम चरण के चुनाव बाकी हैं, लेकिन अभी से परिणाम की चर्चा पर सियासी जंग हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, इसलिए राजनीतिक दलों में चर्चा का एक बड़ा मुद्दा है चुनाव परिणाम आखिर होंगे क्या, ऊंट किस करवट बैठेगा और क्या जो नारा बीजेपी ने दिया है 400 पार का वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसी पर आर पार सियासत में मची हुई है, तो आज उसी पर डिबेट करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किसके दावे में कितना दम है और ये जो परिणाम आएगा वो किसके लिए क्या परिणाम लेकर आएगा। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार युवा नेता अमित साहू जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता तेज तर्रार नेता अमित श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण लेकर हर सीट की पैनी जानकारी रखने वाले उचित शर्मा जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि चुनाव जरूर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में खत्म हो गए हैं, लेकिन सियासत यहां बदस्तूर जारी है और इस बार चर्चा सियासत में इस बात को लेकर है कि क्या होगा, क्या परिणाम आने वाला है और 400 पार होगा कि नहीं होगा। दोनों बयान हमने आपको सुना दिए, अब प्रतिक्रिया ले लेते हैं, लेकिन पहले विश्लेषण के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कि उचित शर्मा जी से टिप्पणी के रूप में हम समझेंगे कि उनके पास क्या ऑब्जर्वेशन है। राजनीतिक दल तो अपने अपने दावे करते ही हैं, वो क्या देश को लेकर ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद छत्तीसगढ़ में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी बताएंगे उचित शर्मा जी। जी मोहन जी, देखिए कि पूरे 7 चरणों की जो बातें हो रही थी, अलग अलग आप इसको कर सकते, प्रथम चरण में कुछ अलग था, द्वितीय चरण में कुछ और है, तृतीय चरण आते आते तक ठीक है। प्रथम चरण यहाँ पे पूरा का पूरा सेंटर के, अब जहाँ मंदिर से रिलेटेड बात हो सकती थी, जहाँ एम वाई फैक्टर पे बात होती थी, मुस्लिम यादव पे चर्चा होती थी, वो धीरे धीरे द्वितीय चरण आते तक मंगल सूत्र तक पहुंच गई और अब तो ये आलम आ गया कि वो गांधी जी तक कन्वर्ट हो रही है। तो वो तमाम 7 चरणों के चुनाव जो है अलग अलग चीजों पे होते गए, लेकिन ये है कि जो मूल आप देखिए कि पूरे के पूरे सभी चरणों में किसी भी दल द्वारा या खासकर सत्ता पक्ष द्वारा या विपक्ष द्वारा आप जो मूल वो बुनियादी सवाल है वो पूरे उनका पूरा का पूरा मरसिया पढ़ा गया है, उससे उसको लेके किसी पे चर्चा नहीं हुई। चुनाव आज भी मोदी के परसेप्शन पे, चुनाव आज भी मुस्लिमों पे, आज भी पाकिस्तान पे, आज भी धर्म पे, आज भी धर्मांतरण पे, आज भी गाय गोठान गोबर पे, तमाम वो चीजें मुख्यतः बनी रही जिनसे एक टॉक ऑफ द टाउन। मैंने पहले भी कहा मोहन जी कि ये
जो चर्चाएं हैं, वो जो चीज है और जो मूल 140 करोड़ जनता के जो बुनियादी सवाल है, 80 करोड़ को लेके जो गरीबी को लेके बातें हैं, 25 करोड़ को आप गरीबी से ऊपर कर चुके हैं जिन पे बातें, शिक्षा से जुड़ी बातें, कृषि से जुड़ी बातें, वो सब चुनाव में जो चर्चाएं होनी चाहिए जिसके लिए चुनाव होते हैं वो गौण हो गए। अब पूरे के पूरे मुद्दे जो है वो पूरे के पूरे शिफ्टिंग का दौर है, मुद्दों का धर्मांतरण हुआ है, एक्चुअली मुद्दों का ही धर्म परिवर्तन कर लिया गया है। जो मुद्दे मूल मुद्दे होने चाहिए थे वो हट गए। आप देखिए कि हमारे प्रदेश से भी इसको जोड़ता हूँ कि जो बाकी मुद्दे जो मोदी जी चर्चा कर रहे थे, जिन पे बात हो रही थी, वो तमाम मुद्दे जो मोदी जी पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, वो विपक्ष उसको टॉक ऑफ द टाउन बनाने की कोशिश तो किए, लेकिन कभी भी ऐसे मुद्दे टॉक ऑफ द ट्राइब्स नहीं हो पाए। और जब तक मुद्दे टॉक ऑफ द ट्राइब्स नहीं होंगे तब तक आप उसे ऊपर नहीं ला सकते, या उसमें आप कनेक्टिविटी नहीं ला सकते। आप रूरल को लेके, ब्लॉक स्तर के लोग को लेके, पंचायत स्तर को लेके अगर कोई चीजें आप उनमें चर्चा और संवाद और विमर्श में नहीं ला पा रहे, इसका मतलब है कि वो मुद्दा साफ है। हकीकत यह है कि विपक्ष को कनेक्ट ही होने नहीं दिया गया जनता से, या इनको ये हालत पैदा कर दिए गए हैं कि जनता कनेक्ट ही ना हो पाए। अब जनता ओबीसी गणना को लेके जिस प्रकार से राहुल गांधी बात कर रहे थे, लेकिन बाकी आप देखिए उनके कौन से बड़े नेता इस बात पे बात किए, या कौन से बड़े नेता हैं राहुल के अलावा जो आज की डेट में भीड़ जुटाऊ नेता आप जिसको बोल सकते, मतलब कहे। हकीकत तो ये है कि दो चार को छोड़ के तो बाकी लोगों से स्टार प्रचारक के भी तमगे ले लेना चाहिए। जो स्टार प्रचारक के तमगे दिए हुए हैं वो भी ले लेना चाहिए, क्योंकि अब वो स्टार प्रचारक तो रहे नहीं और ना ही उनके कारण भीड़ जुमती है, तो ये और ना ही सत्ता पक्ष ने उनको स्टार प्रचार के लायक छोड़ा है। तो वो जो भी कारण हो तमाम, फिर उनकी उन पर चर्चा एक अलग विषय चला जाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा चुनाव आप जिस 370 को लेके है, यूसीसी कानून को लेके है, जो हमारे यहाँ अन्न महंगाई को लेके जो बात होना चाहिए थी, ये सब चीजें गौण हो गई है। और जो प्राइमरी धर्म और धर्मांतरण और पाकिस्तान रह गया है, मंगल सूत्र हो गया है गांधी की मूर्ति पे, अब आखिरी चुनाव जो है वो एक तारीख को आखिरी जो है वो गांधी की मूर्ति तक आ चुका है। तो सातों चरण जो है वो इस तरीके से आए, और विपक्ष जो है वो अभी भी उन्हीं की पिच पे खेल रहे हैं, मोदी जी की पिच पे वो चले वो खेलते हैं। विपक्ष उन्हीं बातों को अपना जोड़ तोड़, जो आरोप प्रत्यारोप मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी लगाती है, उसी का जवाब देने में पूरा समय जाया हो जाता है विपक्ष का। तो बहुत स्मार्ट प्ले भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक इनकी अपनी आइडियोलॉजी को लेके, विचारधारा को लेके, संगठन को लेके काफी स्मार्ट एक मतलब एक संगठन है उनका, एक बौद्धिकता को लेके काफी, मैं कहूंगा कि वो एक रिच कॉर्पोरेट पॉलिटिकल पार्टी है, जो अपनी बौद्धिकता को लेके, इंटेलेक्चुअलशिप को लेके काफी बोला चाहिए कि अपने उन कारणों से काफी ऊपर रहती है बाकी राजनीतिक दलों से। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर मोदी फैक्टर था जिसने मुद्दों को घुमाया भी, असर क्या रहा इसका आकलन भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस भाजपा की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, पहले अमित श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। अमित श्रीवास्तव जी, एक बड़ा ब्रांड जिससे मुकाबला था और उसने पिछले दो चुनाव में अपने आप को साबित भी किया, लेकिन तीसरी बार क्या उस दीवार को गिराने में कांग्रेस सफल हुई है, और छत्तीसगढ़ में कितना योगदान रहेगा इस पर भी प्रकाश डालिएगा। मोहन जी, ये निर्णायक मोड़ पे खड़ा और ये ऐतिहासिक, आपने ठीक कहा, जिस चीज को जनता ने ये कि जिस प्रकार मैंने कहा ना, ये ऐतिहासिक चुनाव है और ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव साबित हुआ। जैसा भी उचित भाई ने कहा कि जो मुद्दे चले चुनाव में, पहली बार तीन चुनाव में अगर आप देखेंगे 2014 और 19, तो इस बार मुद्दे भी हावी रहे और मुद्दों पे लोगों ने डिस्कशन भी किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया ने भी, आप जैसे प्रबुद्ध जन ने भी उसमें बहुत सहयोग किया कि मुद्दों पे चर्चा हुई और देश की जनता ने, मैंने आपसे कहा ना कि संविधान का, देश की जो जनता ने संविधान के सिपाही बनकर लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और आपने कहा कि दो बार जो चेहरा चला है, निश्चित तौर पे दो बार वो चेहरा जरूर चला, लेकिन आप याद रखिए 2014 में उन्होंने कहा था मुझे सेवक समझिए, 2019 में उन्होंने कहा मुझे चौकीदार समझिए, और अब वो कह रहे मैं अविनाशी हो गया हूँ।
तो जनता विनाशी को पसंद नहीं करती थी, आपको मैं बता दूं, और लगातार मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी। जिस प्रकार से अगर ये 10 साल कुछ किए होते ना मोहन भाई, तो ये बात करते छोटी कपड़ा मकान की, बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई की, रोजगार की, किसानों की आय दुगनी करने की, ऐसा कोई इन्होंने बात नहीं किया। लेकिन जनता ने इन सारे मुद्दों पे चर्चा की, मीडिया पे इस पे चर्चा हुई, सोशल मीडिया में ये चर्चाओं से भरा था इनका पूरा सोशल मीडिया, और जनता ने इस बात को फील किया, रियलाइज किया कि इन्होंने जो भी प्रोमिसेस किए थे क्या इन 10 सालों में या पिछले 5 सालों में इन्होंने डिलीवर किए क्या, और अगर इन्होंने डिलीवर किया होता तो उन मुद्दों पे ये बात करते, ये महंगाई पे बात करते। लेकिन बात इन्होंने कहां करी, मांस मटन मछली, आप तो मुजरादा की बात करने लगे। तो इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा, आपका क्या आकलन है, इसका फायदा मिल रहा है बीजेपी को कि नुकसान होगा? देखिए मुझे एक चीज समझ में आपके माध्यम से, और आप प्रबुद्ध जन है, उचित शर्मा जी विद्वान व्यक्ति है, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ये देश की जनता जो है ये कामों को पसंद करती है, लफासी झूठी भ्रम और भय का जाल को जो तोड़ना जानती है, और लगातार मैं आपको बता दूं कि अगर आप काम किया होते तो आप अपने कामों को रखते, आपको ये जो मैंने कहा ना, इन मुद्दों पे आपको बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप काम किए होते तो आपको हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं होती, अगर आप काम किए होते तो आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये कौन कर रहा है, ये भी एक सोचने का विषय है। ये वो लोग कर रहे हैं जो बिना बुलाए पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा के आ गए, और ये वो लोग कर रहे हैं जो पितृ पुरुष जाके जिन्ना लैंड में जिन्ना की मजार पे जिन्होंने लगे। हाँ, छत्तीसगढ़ की सीटें भी बता दीजिए, फिर इसकी प्रतिक्रिया ले लेंगे। छत्तीसगढ़ में क्या आकलन करके चल रही है कांग्रेस, श्रीवास्तव जी? अच्छा, मुझसे पूछ रहे? जी 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 जी, तौर पे देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने कहा कि ये मुद्दा पिछले 19 से बहुत ये समय भिन्न था, और ये ऐतिहासिक चुनाव है, और जनता ने कहा और जनता ने देखा कि किस प्रकार से इस देश में लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, किस प्रकार से मीडिया के लोगों पे उनको दबाने का प्रयास किया गया, चौथे स्तंभ पे आप देखिए बहुत सारे ऐसे पत्रकार। सीट ज्यादा आएगी, सीट ज्यादा आएगी। एक मिनट बस, पब्लिक इंस्टीट्यूशन को किस प्रकार से बर्बाद किया गया, जिस कारण लोगों में गुस्सा है, और पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होना, अगर कोई मुद्दे पे डिस्कशन नहीं होना, ये सारी और अर्थव्यवस्था का बर्बाद होना, ये सारे मुद्दों पे जनता ने रियलाइज किया कि अभी सरकार के जाने का समय आ गया है, और अब लोग कह रहे हैं कि हमें 4 जून के अच्छे दिन चाहिए, और लोग कह रहे हैं अब हमें इंसाफ चाहिए, और बीजेपी का इस देश से सुपड़ा साफ चाहिए। ठीक है, चलिए, ये तो ज्यादातर सीटें अपने पास गिन के चल रहे हैं। अमित साहू जी की ओर चलते हैं। अमित जी, 400 का बड़ा लक्ष्य, छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी कितनी होगी, और किन कारणों से आप लोग ये लक्ष्य प्राप्त कर पा रहे हैं? सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, अपना देश अपना माटी, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। ये 3 जो मुद्दे हैं ना अमित भाई, उसी में सार छुपा है भारतीय जनता पार्टी के वादों का। राम मंदिर, कश्मीर से धारा 370 35 से हटाना, नई शिक्षा नीति, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, और तमाम जो दिखने वाली चीज है, कांग्रेसियों के बोलने से वादे पूरे हुए ये नहीं, ये जनता के प्लेटफॉर्म पे माननीय मोदी जी हर उस कसौटी पर खड़े उतर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेसियों के कसौटी पर खड़े उतर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेसी तो सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के गुलाम हैं, और आज वो परिवार सत्ता से बाहर है तो इनकी छटपटाहट, इनके झुंझलाहट और इनका जो बौखलाहट जो है वो है साफ साफ सीधा सीधा नजर आ रहा है। और आज कांग्रेस जो है तुष्टिकरण की नीति, ये मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, मगर हम जो है यहाँ के बहुसंख्यकों का सम्मान करते हैं, हम यहाँ की संस्कृति की रक्षा करते हैं, और हम आज मंदिर की बात करते हैं इसलिए आज हम सत्ता में हैं, ये मस्जिद और मदरसों की बात करते हैं इसलिए आज सत्ता से बाहर हैं, ये क्या पाकिस्तान की बात करते हैं, ये क्या चीन की बात करते हैं। आज छत्तीसगढ़ समेत पूरे भारत देश की जनता देख रही है कि मोदी युग में क्या क्या परिवर्तन नहीं हुए इस भारत देश में। आज पूरे विश्व में भारत का डंका किस प्रकार से बजा है, आज भारत की वाहवाही, ऐसा कोई देश नहीं है जो झुक नहीं रहा है। कोई देश का प्रेसिडेंट कहता है मोदी इज द बॉस, कोई देश कहता है कि हमें भारत से दोस्ती रखनी चाहिए, कोई देश आता है कि हमको भारत में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये है मोदी पावर, और ये
भारत की जनता अपनी आंखों से देख रही है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। भारत की जनता मोदी जी से प्यार करती है, मोदी जी को सराहकों पर बैठाएगी। मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार 100% होगा, अब की बार 400 पार। और कांग्रेसियों को तो अब दीपक लेके भी खोजेंगे तो भी नहीं मिलेंगे। वैसे तो कांग्रेसी जो है वो चिराग वाले हैं, दीपक वाले तो है नहीं है। तो क्या है, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी का भी नाम है दीपक, जो कि अब बुझ चुके हैं। दीपक बैज है नहीं, वो खुद अपना चुनाव हार चुके हैं। जो मुखिया बैठे बन के बैठे हैं कांग्रेस के, वो भी बुझ चुके हैं। तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा 4 जून को, 400 पार ये तय है। जय श्री राम। चलिए ये तो रही देश की बात, प्रदेश पे आ जाते हैं और उचित शर्मा जी से टिप्पणी लेते हैं। प्रदेश के मुद्दों में कुछ बदलाव देखने को मिला क्या, देश से अलग हटकर कुछ प्रदेश में खास फैक्टर चला है क्या उचित शर्मा जी आपके आकलन में, जो असर करेगा चुनाव परिणाम में? नहीं देखिए, पूरे पैन इंडिया चुनाव तो वाकई आप देखें तो मोदी जी के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, मोदी जी के मुद्दे। पिछली बार जब, मगर एक बात है कि 2019 में जो मोदी लहर थी, मोदी फैक्टर था, इस बार वो थोड़ा सा प्रतीत नहीं होता। आप ये अलग बात है, आप देखिए कि पिछली बार जो है वो लाखों वोट से, 3,92,000 वोट से दुर्ग की सीट आई थी, 3,48,000 से रायपुर की सीट आई थी। तो मुझे लगता है कि सीटों में ये जो फर्क है 50.8% का जो भाजपा का शेयर था, मुझे इसमें कांग्रेस थोड़ी सी डेंट लगती हुई नजर आ रही। उसके पीछे मोहन जी मेरा तर्क ये है कि 5 साल उन्होंने शासन किया है और पहली बार वो चुनाव में गए हैं, 5 साल अपनी पूरी शासन, अपनी सत्ता को, 5 साल अपनी योजनाओं को बाजार में, प्रदेश में डालने के बाद वो चुनाव लड़ने आए हैं पहली बार इन 24 सालों में लोकसभा। तो जाहिर सी बात है कि उनका अपनी TRP है, भूपेश की, भूपेश के अपना व्यक्तित्व है, भूपेश के अपने संबंध है, भूपेश की अपनी योजनाएं हैं, उनका जल जंगल जमीन पे काम होना, कुछ रूरल इकोनॉमी को लेके भी कुछ अच्छे काम हुए हैं, कुछ लोग आत्मानंद स्कूल से खुश हैं, कुछ लोग बोनस की स्कीम से खुश हैं, किसान की, कुछ लोग ओबीसी फैक्टर से खुश हैं, ओबीसी आरक्षण से खुश हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस में सब कुछ गलत हुआ है, मैं ऐसा नहीं मानता। और ये भी नहीं मानता है कि भाजपा सब कुछ आने वाले समय में बहुत गलत करेगी, मैं इतना पोजिटिव नहीं हूँ। भाजपा ने भी बहुत अच्छे अपने घोषणा पत्र दिए हैं, उनकी भी तमाम योजनाएं हैं, लेकिन वो आने वाले समय में देखेंगे। भूपेश बघेल ने भी कई रूरल इकोनॉमी को काम किया, बोनस को लेकर काम किया, तमाम उनके पास पॉजिटिव पॉइंट है। और कका जैसा चेहरा भी, छत्तीसगढ़ अस्मिता, कई चीजें ऐसी जो कांग्रेस के प्लस में जाती है। ऐसे में नंबर कितने जाएंगे नंबर के हिसाब से छत्तीसगढ़? मैं कह रहा हूँ, आप जो एक नंबर के लिए मुझे पूछना चाहते हैं वो, तो मैं कहूंगा कि मैं इसको देख रहा हूँ कि 11 सीटों में जो 50.8% वोट जो भाजपा के खेमे में था 19 में, उसमें कांग्रेस थोड़ा डेंट लगाते हुए दिख रही है, ये बात सत्य। और जो आप सीधा सवाल करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं मोहन जी, सीटें बढ़ेंगी ये मान के चले, मतलब आप, मैं कहना चाहूंगा उस पे कि देखिए थोड़ा सा वक्त दीजिएगा कि 4 सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपर एज पे है, उनका हाथ थोड़ा सा ऊपर है, वो है 4 सीट आप बोल सकते हैं कि रायगढ़ की ले लीजिए, बिलासपुर ले लीजिए, दुर्ग ले लीजिए, रायपुर ले लीजिए, ये 4 सीट भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड पे है, ये बात सत्य। उसके बाद 4 सीट जो है आप बोल सकते हैं कि इस पे फाइट है, फाइट वो सीटें जो आप 4 सीट पे फाइट में, मैं कह रहा हूँ उस पे सरगुजा भी है जिसपे आप फाइट देख सकते हैं, सरगुजा के बाद बस्तर है दूसरी सीट जो फाइट देख सकते हैं, कवासी लखपा की अपना एक और है, तीसरी सीट जो मैं कहूँ कि रायनन गांव जहाँ से भूपेश बघेल खुद चुनाव लड़ रहे हैं और 1,92,000 की करीबन 92,000 के आसपास की लीड थी, वो आप कह सकते हैं कि वो एक फाइट का है। काकेर इसमें आप कह सकते हैं कि वो भी एक फाइट को आप कह सकते हैं, ये सॉरी काकेर के अलावा मैं कहूंगा कोरबा फाइट, कोरबा जी। तो 4 सीट भारतीय जनता पार्टी अपर एज पे है, 4 सीट फाइट पे है, 3 सीट मोहन जी मैं ऐसी बताऊं आपको कि जो क्लोज फाइट आप कह सकते हैं, बिल्कुल वो 3 सीट है कांकेर, महासमुंद और चापा जांजगीर,
ये तीन सीट को मैं कहूंगा कि यहाँ एक नेक टू नेक फाइट आप इसे कह सकते हैं, उसके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने रीजन है। जांजगीर की अपने कहानी है, चापा जांजगीर की, आप महासमुंद की स्थिति अलग है, कांकेर की अलग है, काफी अच्छे, तो बहुत लंबा वक्त लगेगा उसको डिस्क्राइब करने में। फिर राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, वो एक रीजन है, जातिगत कई चीजें हैं, पार्टीगत और बाहर के चीजें हैं, कई बातें हैं। तो मैं कहूंगा कि नटसेल में तीन सीट में नेक टू नेक फाइट आप मोहन जी मान सकते हैं। ठीक है, नेक टू नेक फाइट है, चार सीटों में बीजेपी को एज मिलता दिख रहा है और तीन या चार सीटों में कांग्रेस को थोड़ी बढ़त दिख रही है। ऐसे में बराबर का मुकाबला दिखता है और कांग्रेस इसको कैसे देखती है? अमित श्रीवास्तव जी की ओर चलते हैं। श्रीवास्तव जी, ये तो आप लोगों की जब सरकार थी 2019 में, उससे भी अच्छे परिणाम आते दिख रहे हैं, तो ये किसके बल पे है? सरकार नहीं आ पाई लेकिन लोकसभा में अच्छे परिणाम आएंगे ये मान के चले? निश्चित तौर पे मोहन जी, जो कि आप देखिए, जब हमारे पास भी 68 सीट थी और तब लोकसभा चुनाव हुए तो परिणाम भाजपा के पक्ष में आए थे। छत्तीसगढ़ बहुत विद्वान है, छत्तीसगढ़ की जनता समझती है कि क्या करना है। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि लगातार पूरे देश में परिवर्तन का वातावरण है, और मैं आपके माध्यम से कह दूं कि लगातार बीजेपी ने पिछले बार चाहे क्लीन स्वीप की, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, इस बार वहां पर उसको डेंट लग चुका है इन छह चरणों में। और आपको मैं बता दूं कि लगातार उनकी सीट वहां पर कम भी हो रही है, और उसका परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर लें तो इसका डीप इंपैक्ट पूरे छत्तीसगढ़ में भी पड़ने जा रहा है, क्योंकि मैंने कहा जिस जो ज्वलंत मुद्दों से इन्होंने भगने का काम किया और जनता ने सारी चीजों को माइनॉरिटी ऑब्जर्वेशन में रखा था। और आपको मैं बता दूं कि लगातार परिवर्तन की लहर पूरे देश में है और दमदार वापसी हम करने जा रहे हैं। और आप 4 जून का देखेंगे कि जिस प्रकार से अभी अमित जी कह रहे थे, मैं उनकी बातों को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, उन्होंने भगवान मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के, जिसके आदेश से आज और मंदिर बना, लेकिन वो क्रेडिट भाजपा लेना चाह रही है, लेकिन जनता सारी चीज समझती है। पहली चीज, दूसरी चीज उन्होंने कहा, जो भी मुद्दे आपको बता दूं कि ये शानदार जीत 4 जून की होने वाली है। और मैं आपको पहले से बता दूं कि जिस प्रकार से 11 दिनों बाद डाटा आना, पहले चरण के मतदान के 11 दिनों बाद आना, एक मिनट मोहन जी, 6.14 बढ़ जाना, और जिस प्रकार से 2 फेज के बाद भी 1,01,00,000 वोटर का बढ़ जाना, ये भी एक चिंता का विषय है। इसपे भी ध्यान विपक्ष को देना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ज्वलन बुझे भाजपा के जो लोग है ये जुगाड़ शास्त्री है। अभी जैसे ये 7वां फेज का इलेक्शन हो जाएगा, ये भाजपा ही इनका सहयोग भी दिखने लग जाएगा, इनका प्रयोग भी दिखने लग जाएगा, और धन तंत्र पे इनका जो विश्वास रहता है वो सारी चीजें दिखने लग जाएंगी। तो मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि हम सबको अलर्ट रहने की जरूरत है, और कार्यकर्ता लगातार निगरानी भी रखे, और विपक्ष पूरी तन्मयता के साथ 1 तारीख को बैठने जा रहा है। ईवीएम का तो लफड़ा नहीं रहेगा, ईवीएम में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी होगी इन्होंने, कोई बचेगा कि उसको भी जोड़ दे? मैं आपको एक चीज बता दूं मोहन जी, मैं आप उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स देके बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया है, लेकिन 11 दिनों बाद आंकड़े आना और दूसरे फेज का आंकड़ा तुरंत आ जाना, उसके बाद लगातार उस पर डिफरेंस 6.14, 6.12, 4.00, 3.50, 2.00, ये जो आंकड़े आए हैं ये चिंता का विषय है कि इतने दिन आंकड़े आने में क्यों लग गए। ठीक है अमित जी, अगर मगर के बीच कांग्रेस जीत का दावा कर रही है और उनको लगता है जीतेंगे, पर ऐसी ऐसी चीजों को लेकर शंका भी है, आप लोगों को क्यों इतना भरोसा है कि 400 पार होगा? देखिए, जो योजनाएं कांग्रेस करती है, जो फरेब, जो छल और जो धन बल का उपयोग और जो हर एक तंत्र का उपयोग जो कांग्रेस करती है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सम्माननीय बड़े भाई कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी को। उन्होंने आज इस चैनल के माध्यम से खुलकर कहा कि कांग्रेस क्या क्या करती है और क्या कर सकती है, और एक तरफ ये रोना तो रोएंगे ही 4 तारीख को, दोस्त तो देंगे ही ईवीएम को, जिस ईवीएम को ये लेके आए हैं, और उस ईवीएम पे जब ये जीतते हैं तब ईवीएम
संस्कारी बहू है घर की, और जब ये हार जाते हैं तो उस बहू पर लांछन लगाते हैं, उस बहू को चरित्रहीन साबित करते हैं। ये वाली बात इस बार नहीं कह रहे हैं, प्रवृत्ति है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ये होने वाला 4 जून को मोहन भाई, और मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से बैठ के दावा कर रहा हूँ और डंके की चोट पर कह रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, इस प्रदेश की भी 11 की 11 सीटें हम जीतने जा रहे हैं मोहन भाई। और निसंदेह जनता ने चुना है मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हर गली हर बूथ जाकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कार्य जो किए, उसके साथ साथ हम हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक वार्ड में, हर एक विधानसभा में गए हैं, वहां जनता ने खुद साथ दिया है कि नहीं मोदी ही जरूरी है, मोदी को ही लाना है, ये आम जनमानस की जन भावनाएं थी। तो ऐसे में हमको और हमारे पूरी पार्टी को पूरा विश्वास है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार होगा। फाइनल कमेंट 11 की 11 सीट। फाइनल का कमेंट उचित शर्मा जी से ले लेंगे। कम शब्दों में शर्मा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आया तो क्या उसका राजनीतिक इफेक्ट छत्तीसगढ़ में होगा, और बीजेपी के पक्ष में आया तो किस तरीके का इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, तो हाइपोथेटिकल है कि अभी कांग्रेस के पक्ष में आप पैन इंडिया बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में क्या होगा कि बैज को भूपेश का नंबर बढ़ेगा घटेगा? कांग्रेस की स्थिति अगर सुधरती है तो क्या राजनीतिक कैलकुलेशन होंगी, आप ये जानना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब मोहन जी, अगर नो डाउट कि इसमें कद बढ़ेगा, दीपक बैज जी का कद बढ़ेगा, इसमें कद बढ़ेगा, भूपेश बघेल का कद बढ़ेगा कि एक अच्छी योजना के साथ वो आ रहे हैं, एक अच्छे संगठन के साथ वो आ रहे हैं। भले इस बार जो है मूल चीज ये है कि टीएस बाबा इस बार हमको चुनाव में देखने को नहीं मिले, कारण जो भी है उनके पारिवारिक कारण ऐसे रहे हैं कि वो हमें इस बार देखने को नहीं मिले, लेकिन अगर सुखद परिणाम आते हैं और अगर वो एक टफ टास्क जो है भाजपा का उसमें कहीं वो डेंट लगाते हैं, 50% से शेयर वो अगर नीचे भी खिसका के लाते हैं तो इसको बड़ी उपलब्धि के रूप में बीजेपी के पक्ष में जनता देखेगी। जी, बीजेपी के पक्ष में परिणाम आया तो क्या होगा, यहाँ किसके नंबर बढ़ेंगे? देखिए, नो डाउट कि यहाँ पे मैनेजमेंट वैसे भी चेंज होना है, अगर बीजेपी के परिणाम आने से वैसे भी सत्ता परिवर्तन में, सॉरी सत्ता मंत्रिमंडल परिवर्तन में काफी सारे चेंजेस होंगे। नो डाउट कि इनकी लीडरशिप में, अध्यक्ष महोदय की लीडरशिप में बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है, उनके बनेंगे मुख्यमंत्री की अपनी एक छवि में सुधार होगा, ओपी चौधरी जी का अपना एक मैनेजमेंट में काफी सुधार होगा, नए मंत्री जो नए तीनों जन जो प्रभारी थे, अजय चंद्राकर जी आप ले लीजिए, चाहे आप कश्यप जी को ले लीजिए, अमर अग्रवाल जी को ले लीजिए, जो प्रभारी है इनका कद बढ़ेगा, और जाहिर है कि मंत्री पद से किसी तीनों पद से मंत्री पद से नवाजा भी जा सकता है, चाहे अजय चंद्राकर हो चाहे अमर अग्रवाल जी भी। तो ये भी उम्मीद है कि कैबिनेट में परिवर्तन की बात जरूर है, बहुत जल्द इसको आपको देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी को जाहिर सी तौर पे है कि 9 सीट पिछली बार थी, अपर एंड में थी, थोड़ी बहुत कम ज्यादा भी होगी, तो कैबिनेट में परिवर्तन तो हो गई। बिल्कुल, तो दोनों ही तरीके से हमें छत्तीसगढ़ में कई राजनीतिक हलचलें देखने को मिलेंगी जब लोकसभा का परिणाम आएगा। फिलहाल लोकसभा का परिणाम क्या होगा इसको लेकर आर पार जारी है, रोज नए नित्य बयान हमें सुनने को मिल रहे हैं। आज हमने एक हिस्से पर डिबेट करके जानने का प्रयास किया कि आखिर होने क्या जा रहा है, हालांकि और इस पर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। समय कम है इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अमित साहू जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ थे, उनका बहुत धन्यवाद। और उचित शर्मा जी ने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।